हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास की महिमा? इस पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है। ये अधिक मास प्रत्येक 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ियों के बाद आता है। जैसा कि हर महीने का एक अधिदेव होता है, वैसे ही इस महीने के अधिदेव स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस अधिक मास की महिमा इतनी है कि अन्य महीनों में आप जितनी भी साधना करते हैं उसका 16 लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। स्वयं भगवान ने इस अधिक मास को ये वरदान दिया है कि जो भी इस अधिक मास में कोई भी व्रत या नियम का पालन करेगा वो अंत में मुझे प्राप्त करेगा। इस अधिक मास में हमें क्या नियम पालन करने चाहिए? सबसे पहले जो कि हमें कठिन लग सकता है वो है ब्रह्म मुहूर्त अर्थात मंगला आरती में जागना। कठिन तो है पर करना तो पड़ेगा। दूसरा है तुलसी सेवा। तीसरा है भगवान को दीप अर्पण करना। और चौथा है महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना। और पांचवा है श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य श्रवण करना। और छठा है श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का रोज पाठ करना। सातवीं और सबसे विशेष बात जिसका हमेशा हमें बहुत ध्यान देना है वो है किसी भी वैष्णव की निंदा करने से बचना। इससे आपको क्या लाभ होगा पता है? आपकी भक्ति करोड़ों गुना दृढ़ हो जाएगी। तो बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय हो। हरे कृष्णा।